आईसीसी की नई रैंकिंग आई है और इस रैंकिंग में बहुत कुछ उथल पुथल हुआ है। कुछ खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से कमाल करके दिखाया है और सबको प्रभावित किया है। आईसीसी की वनडे रैंकिंग की बात करें तो वनडे रैंकिंग में टीम इंडिया का जलवा देखने को मिला है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने लंबी छलांग लगाते हुए आईसीसी वनडे रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया। रोहित ने अपने साथ ही सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को तीसरे नंबर पर ढकेल दिया। गिल के बाद विराट कोहली का नंबर आता है। विराट कोहली वनडे रैंकिंग में चौथे स्थान पर है। रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में दमदार प्रदर्शन किया था। हिटमैन ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सबको इम्प्रेस किया। श्रीलंका के खिलाफ तीन वनडे मैच में रोहित ने 157 रन बनाए थे। यही वजह है कि रोहित को वनडे रैंकिंग में फायदा हुआ है। अगर आईसीसी वनडे रैंकिंग के नंबर वन खिलाड़ी की बात करें तो नंबर वन पर पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम का नाम है, लेकिन रोहित शर्मा उनसे ज्यादा पीछे नहीं है। रोहित के 765 जबकि बाबर आजम के 824 रेटिंग अंक है। रोहित शर्मा का यही आक्रामक अंदाज चलता रहा तो वो जल्द ही बाबर आजम को वनडे की रैंकिंग में पीछे छोड़ देंगे।